तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी पॉलिनोमियल यानी पीएक्स को है ना, अगर किसी भी जी एक्स यानी एक्स, जी एक्स भी क्या है यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ही है, दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से अगर डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा क्या होगा, पी ऑफ ए। जैसे समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर पी एक्स जो मेरा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री है, ठीक है ना। और जी एक्स अगर हमारा क्या है, एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि यहाँ पर अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा बाई रिमाइंडर थ्योरम तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रिमाइंडर कितना होगा, यानी हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड जो करना है वो रिमाइंडर फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड करना। तो इसमें अगर रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी पी एक्स को अगर जी एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, तो मेरा रिमाइंडर वही होगा जो पी ऑफ क्या हो, ए हो। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना है, टू है, माइनस टू नहीं प्लस टू लेना, ठीक है ना। तो पी ऑफ टू अगर हम निकालते हैं, पी ऑफ टू क्या करेंगे, जहाँ पे भी मार्केट में एक्स है उसके जगह पर हम कितना रख देंगे, टू रख देंगे, ठीक है ना। तो एक के जगह पर अगर टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर बन जाएगा माइनस, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भी टू के जगह पर एक्स रखेंगे तो टू इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी टू तो यहाँ पर जो बनेगा माइनस टू इंटू एक्स के जगह पर कितना रखना, टू, और ये प्लस थ्री क्या था, पहले से था। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ये जो होगा वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी पी ऑफ टू यहाँ से जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर कितना हुआ, फोर हो जाएगा, माइनस ये भी कितना हो जाएगा, फोर, और प्लस थ्री। अब इसको अपन लोग सॉल्व करने जानते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर तो जो पी ऑफ टू बचेगा वो कितना बचेगा, प्लस थ्री, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो गया, प्लस थ्री, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है,